पॉन्ड इज लाइक अ बुफे। आप कभी बुफे पे गए हो ना, खाना कितना पड़ा होता है, दिल जाता है बंदा हर चीज खा जाए। आप डालते हैं अपनी प्लेट्स भर के, लेकिन आधा खाया, कुछ खाया, दो प्लेट्स खाई, दिल तो चाह रहा है कि मैंने वो भी खाना था, तो वो भी खाना था, लेकिन पेट इजाजत नहीं दे रहा। आंखें भूखी होती हैं इंसान की। पॉन्ड इज लाइक सेम, इंसान जब वेबसाइट पे जाता है, व्हाट हैपेंस इज उसको वो अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई तो कर ले टेम्परेरीली, लेकिन उसकी आंखें भूखी रहती हैं, एंड ही अर्जेस टू गो बैक टू दैट सिन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। कोई भी शख्स अगर इस एडिक्शन में है, जो एडिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहता है कि ठीक है मैं इसमें आइंदा कभी नहीं जाऊँगा, आज के बाद ये आखिरी दफा था, आई विल नॉट गो टू दिस एडिक्शन एनी मोर। अगले दिन फिर वो उसमें पड़ा होता है, दो दिन बाद फिर उसमें पड़ा होता है। लेकिन अगर वो अपने आप को डेडलाइन दे कि मैं सिर्फ चार दिन वेट कर लूँ, सिर्फ चार दिन, चार दिन बाद मुझे खुली आजादी है, और जब चौथे दिन गुजरे अपने आप को फिर वो दोबारा टारगेट दे, ओके टू मोर डेज, जस्ट टू मोर डेज, जस्ट वेट फॉर टू मोर डेज, अपने आप को दो दिन रोक के रखो जिस तरह भी कर सकते हो, तो फिर अल्टीमेटली वन कैन फाइट द एडिक्शन। सूरह मोमिनून में देख लें, फलाह पा गए मोमिनीन, कामयाब हो गए कौन, जो अपनी नमाजों में खशियत इख्तियार करते हैं, ठीक है, जो लोग लव लव से यूजलेस चीज़ों से दूर रहते हैं, जो लोग ज़कात को अदा करते हैं, और जो लोग लदीना लिफरूजहिम हाफिज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर जिक्र किया मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का, ठीक है, फिर जिक्र किया कि जो लोग फहश और बुराई से बचते हैं। अगर आप इन्हें काउंट करें तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में दोबारा कहा कि जो लोग नमाजों की बाकायदगी से अमल करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, ये वो लोग हैं जो फिरदौस के मालिक बनेंगे। तो सूरह मोमिनून की आयात में अल्लाह सुब्हान व तआला ने दो दफ़ा नमाज का जिक्र किया, एक दफ़ा ज़कात का जिक्र किया, एक दफ़ा लव चीज़ों से बचने का जिक्र किया, और तीन दफ़ा फोश चीज़ों से बचने का जिक्र किया, विच मीन्स विच शोज द इंटेंसिटी कि इन चीज़ों से बचना कितना इंपॉर्टेंट है अगर इंसान को फलाह पानी है तो। कीप योरसेल्फ बिजी, मैंने क्या कहा था कि या तो अपनी नेगेटिव हैबिट्स को आप शट डाउन करें, या फिर पॉजिटिव हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में डालें, एक्सरसाइज करें, अपनी जो एनर्जी है ना हमारे अंदर, जो जवानी है, ठीक है, उसको निकालें, फुटबॉल में, क्रिकेट में, स्क्वाश में, स्विमिंग में, इधर निकालें, पॉजिटिव में निकालें। अगर यहाँ पे ये नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली बुराई में निकल रही होगी। सो एक्सरसाइज, कीप योरसेल्फ बिजी। बहुत से लोग इस बुरी हैबिट से पता किस तरह बचे हैं, उनका कोई बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस चल पड़ा, काम चलने शुरू हो गया, और अल्टीमेटली उनको टाइम ही नहीं मिला। अपने पास इतने प्रोजेक्ट्स ले लें, इतने काम करने शुरू हो जाएं कि आपको टाइम ही नहीं मिले, क्योंकि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर इंसान को कोई काम नहीं है तो कम से कम एक्सरसाइज में गुजार दें, एक्सरसाइज करना बेहतर है गुनाह करने से, ठीक है ना। मे बी गो टू अ फ्रेंड, गो टू अ हलका, जैसे ये हो रहा है, गो टू अ मस्जिद, रीड कुरान, अपने कमरों में लगा देंगे, यस यू कैन डू इट, आई कैन, आई विल, इस तरह की कोट्स जो कि अब हिट करती है इंसान को, कमरे में, लैपटॉप पे, और ये जो वर्ड है अल्लाह देख रहा है, दिस इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इंसान अपने लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे लगा दें, अल्लाह देख रहा है, और फिर देखे कि मैं इंसानी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई भी ऐसी नामहरम को भी नज़र पड़े जिसमें ऊपर मतलब अल्लाह ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, कि नोइंग अल्लाह इज वॉचिंग। वैसे तो हर इंसान को पता अल्लाह मुझे देख रहा है, लेकिन वो चीज़ क्या करती है, रिमाइंड कराती है, हिट करती है।